दोस्तों विशाल भारद्वाज की 2009 में एक फिल्म आई थी, उसका नाम था कमीने। अब उनके बेटे आसमान भारद्वाज की फिल्म आई है कुत्ते। फिल्म में अर्जुन कपूर, तब्बू, कुमुद मिश्रा, कोंकणा सेन शर्मा, राधिका मदान, नौशुद्दीन शाह और शरदुल भारद्वाज लीड रोल में हैं। फिल्म में कई किरदार हैं और कई कहानियां भी हैं। हर 5 मिनट बाद खून खराबा, गोलीबारी आपको देखने को मिलेगा और कहीं कहीं तो कुछ किरदारों से ज्यादा स्क्रीन टाइम बंदूकों को मिला है। अब जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो ट्रेलर मैंने भी देखा था और मुझे इस मूवी से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। स्क्रीन प्ले में आसमान के अलावा विशाल भारद्वाज का हाथ लगा है और ये फिल्म भी कमीने की लेगेसी को आगे बढ़ाती है, इसलिए थ्रू आउट आपको डार्क ह्यूमर दिखेगा। डायलॉग राइटिंग में बहुत से इशारे हैं, बहुत से नए जुमले हैं, जैसे शेर भूखा हो तो क्या वो जहर खा ले, या फिर फिल्म के किरदार जो भी कहानियां नरेट करते हैं। इनमें से तब्बू के कैरेक्टर पम्मी की सुनाई बिच्छू मेंढक वाली कहानी बहुत कमाल है। वो इसलिए भी कमाल है क्योंकि ये फिल्म के एंड से जुड़ी है। और देखा जाए तो आजकल फिल्मों में गालियों का चलन हो गया है, ये फिल्म भी वैसी ही है। हाँ, जहाँ जरूरत है वहाँ गालियाँ डालनी चाहिए, लेकिन हर किरदार को सशक्त दिखाने के लिए उनके मुंह से गाली दिलवाना जरूरी नहीं होता। इस फिल्म की बेस्ट बात यह है कि इसका म्यूजिक भाई साहब विशाल भारद्वाज क्या तगड़ा बीजेम है। यदि हाल फिलहाल में आई किसी फिल्म से तुलना करें तो उसके बैकग्राउंड म्यूजिक में मोनिका ओ माई डार्लिंग वाली बात है। गाने भी बेहतरीन है। अब दोस्तों बाकी सभी की एक्टिंग नंबर वन है, सिर्फ अर्जुन कपूर को छोड़कर। अर्जुन कपूर इस मूवी में थोड़े फीके से दिखाई दिए, पर उन्होंने अपने अनुसार ठीक ठाक काम किया है। फिल्म में ऐसा ज्यादा वाले अर्जुन कपूर ही दिखे। कुमुद मिश्रा ने सरदार के किरदार को असरदार बना दिया और तब्बू को तो आप कुछ भी दे दीजिए, वो अपना बेस्ट ही देती है। पुलिस ऑफिसर पम्मी के रोल में उन्होंने आग लगा दी है, हालांकि इस किरदार को आप दृश्यम का एक्सटेंड वर्जन भी कह सकते हैं। इस फिल्म में जिसने सबसे अच्छा काम किया है वो है कोंकणा सेन शर्मा। नक्सल डीलर की और सच्चाई उनके चेहरे पर दिखती है। शायद पूरी फिल्म में उनका ही एक ऐसा किरदार है जो दगाबाज नहीं है। उनके किरदार का एक ही शेड है, बाकी सभी किरदार ग्रे हैं। राधिका मदान जैसे काम कर रही हैं वैसे ही करती रही तो उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। बाकी फिल्म पैसा और पावर की कहानी है, सब एक दूसरे को गिराने में लगे हुए हैं। अंत में कौन किसको गिरा पाता है इसके लिए तो आपको जाकर फिल्म ही देखनी पड़ेगी। बाकी इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो जो मेरे हिसाब से 2-4 दिन जब तक बीत नहीं जाते तब तक इसे कलेक्शन पर बात करना सही नहीं होगा। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना और बॉलीवुड से जुड़े अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।